आप कब आए? और वो भी अंधेरे में बैठे। मुन्ना सो गया? हाँ, सोता ही नहीं था। माँ जो नूरी गाकर सुलाया करती थी ना, वही नूरी गाकर मैंने भी सुला दिया। और तुझे कौन लोरी गाकर सुलाएगा मेरी बच्ची? वाह वाह, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। बच्चा तो मुन्ना है, मैं तो अब बड़ी हूँ। चलिए अब मुँह हट रही है, मैं खाना लगाती हूँ। मुन्ना ने दूध पी लिया बेटी? जी हाँ, 4 बजे रानी ने पिलाया था, सुलाने से पहले मैंने भी पिला दिया। लीजिए। तू भी आ जा। नहीं, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। तू भी खाएगी मेरे साथ? ले, मैं खिलाता हूँ तुझे। बाबूजी, रानी बहुत जल्दी खाना बनाकर रख जाती, ठंडा हो जाता। कल से खाना मैं बनाऊंगी। अरे नहीं, खाना बनाना तू क्या जाने? वाह, क्यों ना जानू, सब सीख लिया था माँ को बनाते देखकर। नहीं बेटी, अब मुझे ठंडा खाना ही अच्छा लगता है। बाबूजी, आप नाश्ता कर लीजिए, माँ को हार मैं पिना दूंगी। अच्छा, तेरी माँ तो बेटी तुझे अपने स्वभाव और गुणों का हार पहना कर चली गई, मैं सिर्फ फूलों का हार पहना रहा। ले, तू ही पहना।
बिल्कुल ठीक हो गया, अब दवा लगाने की जरूरत नहीं। जाओ बेटा खेलो। बाबूजी मैं जाऊं? हाँ जा, तुम भी जा। वर्मा जी, चटनी चटनी है और चूरन चूरन। मेरे कहने का मतलब है आप बाप हैं, कुछ भी कीजिए आप माँ नहीं बन सकते। और बिन माँ के दुखों को बिन माँ की बच्ची ही समझ सकती है। मेरी एक दूर की भतीजी है, उस बेचारे की माँ नहीं, देखने में अच्छी है, जवान है। हमारे वर्मा जी भी कौन से बूढ़े हैं? अच्छी मर्द की उम्र कौन पूछता है, और फिर मेरी भतीजी तो पढ़ी लिखी है, आते ही घर संभाल लेगी। वर्मा जी फिर बजने दीजिए शहनाई। नहीं वैद्य जी, बच्चों के लिए मैं सौतेली माँ नहीं ला सकता। अजी ये सब तो पुरानी बातें हैं, आज जमाना बदल गया है, और फिर आज तो पराए अपनों से ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता। मैं मनाए देती हूँ, जब इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता तो उसको दूसरों की सलाह से काम लेना चाहिए। मैं सब इंतजाम कर दूंगी, आपको कुछ नहीं करना होगा। लेकिन 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 कुछ नहीं, आपको सबकी भलाई के लिए तो ये काम करना ही होगा। बच्चों की नई माँ आएगी, सारा घर सुखी हो जाएगा। बधाई हो वर्मा जी, बधाई हो जमुना बहन। ना, अपनी नई माँ आएगी। माँ? हाँ, नई माँ आएगी, नई माँ आएगी, नई माँ आएगी, नई माँ आएगी, नई माँ आएगी। कमला, आज से ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं और ये बच्ची तुम्हारी है। पिछले 5-6 महीनों में इस गृहस्थी की नाव को अकेले खेते हुए मैं थक गया था, तुम्हारे आ जाने से मुझे सहारा मिल गया है और इन बच्चों को मां की ममता का आधार मिल गया है। Was an old house. There a very big cat. बस तू यूं ही वक्त बर्बाद कर, काम करने को तो तेरा जी नहीं करता। ले चावल चुन। ओफ ओफ, मैं ही जूती रहूं कोलू की बैल की तरह। जब से आई हूँ इस घर में नौकरानियों की तरह काम करना पड़ रहा है। लो वो भी उठ गया मेरी जान खाने को, और अब इसे दूध भी चाहिए। कमला आती हूँ। होगा जो कुछ थोड़ा सा बचा है काफी होगा मुन्ना के लिए। मुन्ना के लिए तो काफी होगा, लेकिन मेरा क्या होगा? आप तो जानते हैं कि रात को दूध पिए बगैर मुझे नींद नहीं आती। एक दिन नहीं पियोगी तो क्या हो जाएगा, बच्ची नहीं हो। चलो दूध ले आओ मुन्ना के लिए। और बेटी सुधा, तू जरा ये चावल उठा ले, बड़ा उठा ले। और दीदी को और माँ को मत मारती है।
ऐसा नहीं बोलते। माँ अगर सुन लेगी ना तो मारेगी, रो डालेगा। तो फिर मैं क्या करूँगी? अच्छा मैं उसे बाद में खेलूंगी, चल पहले तू नहा ले। आज मुन्ना भैया नहाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, आज राखी है, दीदी मुन्ना भैया को राखी बांधेगी। ये रानी कंबख ना जाने कहाँ मर गई है। अरे सुधा इधर है, माँ ले ये कपड़े धो डाल। आज राखी है माँ, मुन्ना को नहलाना है। मुन्ना को बाद में नहला लेना, थोड़ी देर हो जाएगी तो आफत नहीं आएगी। जा मैं अभी आती हूँ, खेलते रहना। हाँ जाने भगवान मुझे क्यों सजा दे रहा है, कौन से पाप किए थे मैंने। कभी ये घर कितना खुश था और आज कितना उदास, कितना दुखी। दिल छोटा ना करो, भगवान की दया से इस घर में और भी बच्चे होंगे। लेकिन मेरा मुन्ना वापस नहीं आ सकता कमला, ये मेरी तकदीर का दोष नहीं तो और क्या है। दोष अपनी बेटी को दो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ उसी की लापरवाही का नतीजा है। ऐसा मत कहो कमला, उसे समझने की कोशिश करो। अब हमारा उसके सिवा रहा ही कौन। हाँ हाँ, तुम्हें कोई दूसरा थोड़ी ही नजर आएगा, बस वही दिखाई देती है। लेकिन अब मुझसे ज्यादा देखा नहीं जाता, जब से मुन्ना गया है उसने बंद कुएं पर बैठकर सिवाय रोने के किया ही क्या है। ये सब बहाने हैं काम ना करने के, बस मैं ही मरूं, मैं ही सब कुछ करूं। मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। नहीं कमला, तुम कुछ मत कहो उसे। मुन्ना दीदी तुझे नींद नहीं आती मुन्ना? उठ हो जा, मैं तुझे लोरी गा के सुनाती। आ जा
सुधा। जी बाबू जी। याद है बेटी, तू कहा करती थी, बाबूजी, अब मैं बड़ी हो गई, मुझे लोरी की जरूरत नहीं। तो बेटी अब तू छोटी मत बन। बाबूजी, मुझे मुन्ना के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता, माँ ने मुझे भी अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? नहीं बेटी, क्या तू मुझे छोड़कर जाना चाहती है? नहीं नहीं बाबूजी। तो फिर ये रोना, ये आंसू क्यों? बता, मुन्ना तो माँ के पास गया है ना, उसके पास कोई नहीं था बेटी, वो बिल्कुल अकेली थी, इसलिए उसने बुला लिया मुन्ना को और तुझे मेरे पास छोड़ दिया, क्योंकि तू बड़ी है, समझदार है, माँ जानती है कि मुझे तेरी जरूरत है, कल को तू बड़ी होगी, ये घर देखेगी, अपने बाबूजी को देखेगी। मगर मैं कैसे भूलूं बाबूजी उसे? जैसे मैं भूल रहा हूँ बेटी, काम करके, सारा दिन काम करता हूँ तो मन लगा रहता है, इसी तरह तू भी काम किया कर, पढ़ा कर, घर का काम करेगी तो तेरा भी मन लगा रहेगा और तू भी भूल सकेगी। अच्छा बाबूजी। सब लेटर्स हो गए जी। मिस सुधा, ये लो। ये क्या है? हेड ऑफिस ने तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हारी तनख्वाह में 15 रुपए बढ़ा दिए हैं। यू आर लकी, यू डिजर्व इट टू। आपकी मेहरबानी है मिस सुधा। वेरी नहीं, तुम्हारे अच्छे काम की। थैंक यू वेरी मच। मिस सुधा, कहीं इस खुशी में आज इस महीने की तनख्वाह लेना भूलना जाना। कमाल है, हर महीने किसी ना किसी की तरक्की के आर्डर आते हैं, लेकिन जानकी दास एक तुम हो जो 20 बरस से ये कुर्सी घिस रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी सुनवाई नहीं। लीजिए। थैंक्स। कोरे थैंक्स से काम नहीं चलेगा कुमारी जी, आज तो हमें पार्टी भी देनी होगी। चलो अभी चलो। नहीं आज नहीं, तुम्हारी पार्टी कल, आज हम सब मिलके डांस का प्रोग्राम करने वाली है। सुधा तुम भी चलो ना। नहीं मैं नहीं चल सकती, मुझे वक्त पर घर पहुंचना है, नहीं तो माँ नाराज हो जाएगी। तुम माँ से इतनी डरपोक क्यों हो? माधु, तुम्हें दास साहब बुला रहे हैं। दास साहब बुला रहे? 5:30 बजे के बाद? दास साहब से कह दो कि दासी चली गई, चलो सुधा, वरना तुम भी ओवर टाइम के चक्कर में फंस जाओगी। मिस्टर दास बड़ा फनी आदमी है, अकेले अकेले बेचारा बात करते रहता है, क्या करेगा बेचारा, आदत से मजबूर। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा मधु, फिर कल मिलेंगे। ओके बाय बाय। बाय बाय। अंधा कहीं का। ओ मेरे साथ, अगर आपको खुदकुशी करना है तो शहर में कोई और गाड़ी नहीं मिली, इस गरीब को जेल क्यों भिजवाना चाहती हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों लेकर निकल पड़ते हैं? मेरे सब कपड़े खराब कर दिए। मैंने था कोई आपके जैसा? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? ए मिस्टर, आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो क्या? देवी जी, भगवान को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। न जाने किस खुशी में फुटपाथ से उछलकर सड़क पर आ पहुंचे।
मेरे लाख बचाने के बावजूद भी मेरे गाड़ी से टकराने में कामयाब हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है बताइए? बदतमीज, चलो। मिस सुधा वर्मा, आज इतनी देर लगा दी? अरे ये साड़ी को क्या कर लिया तूने? सब कीचड़ से भरी हुई है, तुझे तो जरा भी ख्याल नहीं कपड़ों का, क्या मुफ्त में आते हैं? और हाँ, आज पहली तारीख है, तनख्वाह लाई? मुझे कुछ रुपये चाहिए। क्यों, क्या करने हैं? साड़ी लेनी थी। अरे पिछले साल ही तो दो साड़ियां लेकर दी थी, अब और क्या करनी है? मेरे पास पैसे वैसे नहीं। और हाँ, आज से इस घर में दो आदमियों का खर्चा और बढ़ गया है। दो आदमी? हाँ, जिनके माँ बाप ने मुझे बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्हीं लोगों पर मुसीबत आई है। सिर्फ भाई बहन है, कहीं उनका आसरा नहीं था तो मैंने उन्हें सहारा दिया, अब वो यहीं रहेंगे। दीदी, अरे ज्योति, ये है सुधा। बांके कहाँ है? अरे बांके आया दीदी। तो यही है सुधा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जो सुना था उससे कहीं बढ़ चढ़ कर पाया। सुना आप काम भी करती हैं दफ्तर में, ऐसी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। पोस्टमैन, वाह वाह वाह, पोस्टमैन जी, आपका भी जवाब नहीं। आंधी हो या तूफान, बारिश हो या कड़कती धूप, लेकिन आप मीलों पैदल चलकर अपना काम करते हैं। थक भी जाते हैं लेकिन फिर भी परवाह नहीं, ड्यूटी ड्यूटी, क्यों ठीक है ना? जी हाँ। तो आप ऐसा करिए, मेरी जीवन चालू गोलियां खाइए, एक खाइए और मोटर की तरह भागिए। सिर्फ 13 पैसे कितनी? जी इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको इसकी सख्त जरूरत जी है। जी नहीं, इसकी, मिनट, जी नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ आपको, अरे I'm sorry। हाँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, जी इसकी कोई जरूरत नहीं जी। ये क्या बकवास है? ओहो चाची, ये बकवास नहीं, ये वो चीज है जो हर एक दिल की हालत बता सकता है कि अच्छा है या बुरा, मजबूत है या कमजोर। लाओ, मैं तुम्हारे दिल की हालत देखूं। हट, परे हट। कोई बात नहीं, तुम ही सही। ओ, चलो आप ही सही। नहीं नहीं, आपके दिल की हालत मैं यहीं से जान गया। अरे दीपक, ये है बांके, मेरा रिश्तेदार। बांका? पर दिल तो इनका बांका नहीं है। और ये है बांके की बहन ज्योति। ज्योति? हाँ, ज्योति यानी कि फ्लेम, यानी कि लाइट। ऐसे दिल की तो जरूर जांच पड़ताल करनी चाहिए। घबराइए नहीं, अभी बता देता हूँ सब कुछ। बस बस, बहुत हो चुका, बंद कर ये बकवास। अरे सुधा, सब्जी मैंने काट दी है, तू जाके रसोई बना ले। सुधा, मेरे चैरिटी शो के टिकट्स का क्या हुआ? ओ, मैं तो भूल ही गई, ऑफिस में बेचने के लिए दी है, कल बता दूंगी। भूल गई? हाँ सुनिए, हम कैसे भूलेंगे आपको। हाय हाय, मेरी धड़कने। सुधा। जी बाबूजी। मनोहर लाल जी की चिट्ठी आई है। जी। ओ, तुम नहीं जानती उन्हें, अखबार में इश्तिहार दिया था उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए, जो अब डॉक्टर बना हुआ है। पूछताछ करने पर पता चला कि घराना अच्छा है और लोग भी अच्छे, इसलिए तुम्हारा फोटो भिजवा दिया था मैंने। लगता है फोटो उन्हें पसंद आ गया, वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। उनकी धर्मपत्नी बीमार है इसलिए वो तो यहाँ आ नहीं सकते, हमें ही कल वहां बुलाया है। बेटी, अगर तुम्हें किसी किस्म का इतराज हो तो मुझसे कह दो। नहीं बाबूजी, आप जैसा चाहें वैसे कीजिए। तो फिर कल तुम अपने दफ्तर से छुट्टी ले लो, सुबह ही चले चले। और हाँ, अपनी माँ से कुछ मत कहना, जब सब कुछ तय हो जाएगा मैं खुद ही कह दूंगा। ले बेटा, तू भी देख ले, मैंने ये लड़की पसंद की है, मुझे तो इन सब में यही अच्छी लगती है। माँ, तुम्हें लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है, मेरी तुम्हारी पसंद दो थोड़े ही है। जी लड़की बाद में पसंद करना, पहले मुझे इसके बाप को माफ तो लेने दो। ये देखो, इस लड़की का बाप 40,000 रुपया नकद देने को तैयार है। क्यों, क्या राय?
नमस्ते चाचा जी। ओ राजेश, आओ बेटे आओ, सुधीर तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। ले भाई, आ गया तेरा दोस्त। अच्छी कीमत लगी जा रही मेरे यार के चोकटे की। हाँ हाँ राजेश, तू भी देख ले। जरा देखें कौन सी तस्वीर जड़ी जा रही तुम्हारे चोकटे के साथ। नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छी भली है बेचारी। तेरे साथ इसकी शादी होगी तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, तू इसके काबिल नहीं। वाह 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 वाह, क्या पर्सनैलिटी है, तू इसके साथ ऐसे लगेगा जैसे हंस के साथ कौवा। छोड़ यार, बंद कर ये बकवास, 10 बजे हॉस्पिटल पहुंचना था, 10:30 ही बज रहे हैं, चल। शंकर, चाय ऊपर ले आ। जिसे देखनी चाहिए थी वो तो अभी बाहर चला गया। खैर, मुझे पसंद है, मेरे बेटे को पसंद। बड़े भले आदमी हैं तुम्हारे पिताजी, मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलकर। चलो बेटी, मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊं। वर्मा जी, जी मैं उन आदमियों में से नहीं जो मुंह में कुछ और मन में कुछ। बात दरअसल ये है कि एक पार्टी दहेज में 40,000 रुपया नकद देने को तैयार है। 40,000? हाँ 40,000। 40,000 तो बहुत होते हैं। वर्मा जी, मेरा लड़का डॉक्टर है, MBBS, और वो इंग्लैंड जा रहा है FRCS करने के लिए। अब आप ही बताइए, 40,000 न मांगू तो क्या करूं? वो तो ठीक है मनोहर लाल जी, मगर इसमें अगर मगर की क्या बात है वर्मा जी? आप अपनी हाँ और ना का जवाब अभी सोच कर दे दीजिए, मैं आज ही फैसला करना चाहता हूँ। अब मैं आपसे क्या कहूँ मनोहर लाल जी, मैं किस काबिल हूँ? चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तो फिर ये हाव भाव कैसा? वर्मा जी, ये आपकी लड़की की जिंदगी का सवाल है, उसके भविष्य के सुख चैन का तकाजा है। आदमी व्यापार धंधे में हाथ खींच ले, मगर जहां उसकी औलाद की बेहतरी का सवाल है वह सब कुछ निछावर कर दे। मेरा अपना तो ये विचार है, आप क्या सोचते हैं ये भगवान जाने। मुझे मंजूर है मनोहर लाल जी, अपनी बेटी के सुख के लिए मैं 40,000 रुपये दूंगा। तो फिर बात पक्की? चाची, 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 कहाँ है मरी? अरे दीपक, वैद्य जी नहीं आए? पिताजी, उनको तो जुलाब लग गए, बैठे बैठे बेचारे हाय हाय कर रहे हैं। ज्योति को दवा कौन देगा? मैं दूंगा और कौन, अगर मैं अपने बाप को दवा दे सकता हूँ तो क्या उनके मरीजों को नहीं दे सकता? तुम दोगे दवा? नीम हकीम खतरे जान। ओ चाची, तुम एक बार बीमार पड़ के तो देखो, वो दवाई दूंगा कि तुम मुझे सदा याद रखोगी। क्या, मेरा मरीज कहाँ है? देखिए, एक मरीज और डॉक्टर के दरमियान में ये मोटा कंबल नहीं होना चाहिए, मेहरबानी करके इसे हटा। आपको बुखार आ गया? जी हाँ। लाइए जरा देखूं। ये क्या बात ये है, कोई कोई मरीज ऐसा भी होता है जिसे देखकर डॉक्टर खुद ही मरीज हो जाता है। आप खुद ही देख लीजिए, सुनिए सुनिए कैसे धक धक कर रहा है मेरा दिल। जाइए, पहले अपना इलाज करा कर आइए। मेरा इलाज तो आप करेंगी और आपका इलाज मैं करूंगा। लाइए जरा अपना नाजुक पेट तो दिखाइए। मेरे पेट में कुछ नहीं। ओहो, पेट में ही तो सब कुछ होता है। पिताजी कहते हैं कि पेट ही सब बीमारियों की जड़ है। लाइए। कह दिया ना, मेरे पेट में कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द है। कोई बात नहीं, अपना हाथ दिखाइए। हाथ? हाथ में क्या रखा है? अरे हाथ पकड़ने से ही मरीज पकड़ में आता है। जाओ, मैं तुमसे इलाज नहीं कराऊंगी। अरे कैसे इलाज नहीं कराओगी,
जब मैं आया हूँ तो इलाज करके ही जाऊंगा। जिंदगी में पहला और आखिरी मरीज मिला है, आंखें दिखाओ। ऐसे नहीं, जरा प्यार से, जरा नरमी से मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। इसमें प्यार की क्या बात है? हाँ, तुम नहीं समझती, डॉक्टर मैं हूँ या तुम? मेरी आंखों में देखो, तुम्हारी आंखों में झांक कर ही तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? इलाज किस मर्ज का? मर्ज ये तो मुझे मालूम नहीं। बात ये है इनको फ्लू का असर है, इनके दिल में कसर है। दो गोलियां दूंगा, एक अब और एक तब, जब मैं कल दोबारा आऊंगा। अगर ये मुझे दोबारा देखने आया तो मैं सचमुच बीमार हो जाऊं। नहीं नहीं, दिल का बहुत अच्छा है बेचारा। इसके पिताजी इसको वैद्य बनाना चाहते थे, मगर ये खुद डॉक्टर बनना चाहता था। अब न ये वैद्य बना न डॉक्टर, बस बीच में ही रह गया। छोड़ो इसे, तुम बताओ क्या होगा, बात पक्की होगी? अपने उनको देखा? सिर्फ फोटो देखी। ए मिस्टर, आप अभी तक गए नहीं? अभी तक का मतलब? मेम साहब, मैं कल से नहीं खड़ा हूँ, अभी आया हूँ। पर क्यों? किसी का इंतजार है। अरे मेम साहब सुनिए, वो आपकी वो सहेली, हाँ वो कहाँ है? वो आज छुट्टी पे है। अच्छा, थैंक यू, मैं चला। इंतजार नहीं करेंगे? बहुत इंतजार कर चुका हूँ। सुनिए, मैं कुछ चैरिटी शो के टिकट बेच रही हूँ सुधा की तरफ से, आप खरीदेंगे? सुधा की तरफ से? अच्छी बात है, एक दे दो। बस एक ही? अभी तक दो की नौबत नहीं आई। लीजिए। 20 रुपए? बहुत महंगा है। ये कुछ खास सीटें हैं ना, जो बिल्कुल आगे है। ए मिस्टर, पैसे तो देते जाइए। चलो एक टिकट तो बिका, क्या सुधा के नाम से जल्दी टिकट खरीद लिया। कितनी देर लगा दी, प्लेन जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। राजेश, क्या वजह है? पिताजी, मेरी घड़ी बंद पड़ गई। घड़ी बंद पड़ गई? कार तो नहीं बंद पड़ गई थी, कहाँ लगाई थी? वो जरा टिकट मिलने में देर हो गई थी। कहाँ है टिकट? निकालो। ये आपका टिकट। ओ, तो कलकत्ते जाने के बजाय मैं नाटक देखने जाऊंगा। सॉरी पिताजी, ये रहा आपका टिकट। छुरी प्यारी छुरी, ते साथ गर तू साथ है, मैं भी औरत जात हूँ और तू भी औरत जात। तेरा आशिक झाड़ दीवाना वार, जुदाई के शोलों पर तहकता, पर जले परवाना की तरह फड़फड़ाता हुआ, अपनी क्षमा मोहब्बत के कदमों तक आ ही पहुंचा। ए मेरे दिलदार, तुम मिर्जा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसी पुरानी घटिया चीजें पेश करके आप चैरिटी शो में मेरे कपड़े फड़वाना चाहते हैं? क्या कहा, घटिया? अरे मुन्ना साहेबजादे, बुजुर्गवारों के जमाने से हमारा खानदान यही काम करता चला आ रहा है। ड्रामा तो हमारी नस नस में समाया हुआ है और अदाकारी हम में से फूट फूट कर निकलती है। अरे मिर्जा जी, इस फूट फाट को छोड़ के इस नए जमाने की कोई फड़कती हुई चीज पेश करिए, कोई ऐसा रोमांस स्टेज के ऊपर लाइए जैसा कि आजकल के फिल्म के बड़े बड़े हीरो करते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, ये मेरी आंखों में आंखें डाल के, अपने हाथों से अपने प्रीतम का हाथ पकड़ के, मेरे और करीब आके अपनी सांसें भर के मर्दानी आवाज में कहिए, डार्लिंग छोड़ो इस बुड्ढे को और भाग चले। अरे भाई, ये क्या बदतमीजी हो रही है? आओ यहां से चले, दूर, बहुत दूर, इस बुड्ढे की परछाई से भी दूर, चांद की ओर, झाड़ियों के पीछे, भुट्टे के खेतों में, तुम और मैं, बाजरे की रोटी और डबल ऑमलेट। आप करो रोमांस मियां लांगे, बीन रोमांटिक मूव नाउ। नहीं नहीं मिर्जा जी, मैं तो मॉडर्न ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था। अमर साहब जादे, जिस दिन तुम्हारे जैसे लौंडों से हम ड्रामा सीखने लगे ना, बाय गॉड उसी रोज खुदकुशी कर जाएंगे। वो शुभ दिन कब आएगा? खामोश,
तुम जाओ उधर, आओ दुलारी, जरा रिहर्सल कर लें। ए मेरे प्यारे दिलदार। ओहो नॉट सो डाउन, जरा लाउड, जरा ऊंचा। ए मेरे प्यारे। क्या हुआ? क्या हुआ? आज मेरा कुछ गला ठीक नहीं है। गला खराब? ठहरो ठहरो, मैं ठीक ही देता हूँ। मेरी जीवन चालू गोलियों से। मैं बैद का बेटा हूँ, कोई लोमड़ी का बेटा नहीं। मैं कब काम आऊंगा आप लोगों के? ओहो, एन किस वक्त में ये ससुरा गला खराब हुआ? जबकि कल शो है। मेरी ससुरी किस्मत ही खराब है बैड लक। ये लो मेरी जीवन चालू गोलियां। ले आए मुन्ना? हाँ ले आए। दो गोलियां खा लो, गला हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। हाउ फीलिंग? अब ठीक है। ऑल राइट, तो फिर शुरू हो जाओ। ए मेरे दिलदार, ए मेरी मोहब्बत के गम खार। अरे दुलारी ये क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? ये हिचकियां कैसी? मेरी जीवन चालू गोलियों का तरह। अरे दुलारी कुछ मुंह से तो बोलो कि आखिर ये क्या हो रहा है? मालूम नहीं क्या हो रहा है। क्या हो गया मुझे? क्या हो गया? निर्दयी, निर्दयी। अरे ये मेरी हीरोइन को क्या कर दिया? तुम हकीम के बेटे हो या कसाई के? कौन है जो मुझे कसाई कर रहा है? कसाई नहीं बल्कि शैतान, जिसकी दवाई ने एक सुरीली आवाज को भैंसा सुर बना दिया। भैंसा सुर? मैं मर गई, तू कहीं की नहीं रही। अरे दीपक, इसे तूने कौन सी दवा खिला दी? ये दवाई जो आप सबको बेचते हैं। अरे ये तूने क्या किया? ये तो पारे का माजून है, इसकी आवाज तो हमेशा के लिए खत्म हो गई। मैं मर गई, तू कहीं की नहीं रही। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दुलारी, दुलारी नहीं नहीं, ए दुलारे, माय डियर दुलारे। अरे मेरे शो का क्या होगा? मेरी हीरोइन का क्या होगा? पिताजी आप हीरोइन का रोल करेंगे क्या? हीरोइन का रोल? सुधा, ओ सुधा, सुधा कल जूते पड़ेंगे, टंडे पड़ेंगे, अंडे फूटेंगे। ये ऑफिस है। सो व्हाट, कल मेरा शो है। तो ऑफिस में क्यों शोर कर रहे हो? मेरे शो की हीरोइन जीरो हो गई, उसके गले का साउंड बॉक्स फेल हो गया। कोई गलत दवा दे दी होगी। दवा तो ठीक थी, लड़की ही गलत निकली, खुद तो गई, साथ में मुझे भी लेट डूबी। अगर कल शो नहीं हुआ तो लोग मेरी बोटियां लौट देंगे, बोटियां, बोटियां। सुधा मेरी इज्जत, आबरू, बेइज्जती सब तुम्हारे हाथ में। जल्दी से शो के लिए कोई आइटम तैयार कर दो, जैसे तुम कॉलेज में किया करती थी। पागल हो गए हो? मैं स्टेज पर नहीं जा सकती, मेरी मंगनी हो चुकी है। सो व्हाट? पर मेरी तो मंगनी नहीं हुई। अरे हाँ दीपक, मधु तो बहुत अच्छा नाचती है, ये तुम्हारा शो कर देगी। पर एक शर्त पर करूंगी कि तुम मुझे कोई दवाई नहीं दोगे। मैं तो क्या अपने बाप को भी नहीं देने दूंगा, जो बहुत बड़े वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं। तो फिर इंतजाम कीजिए, शो होगा। होगा? अरे जी होगा, जरूर होगा। एक्सक्यूज मी, कमाल है, इतनी तेजी, इतनी फुर्ती। जानकी दास एक तू है जो 20 बरस से एक ही कुर्सी। We'll be right back.
शुक्रिया, बहुत सारे हारों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये हार मधु जी को देना है। अरे मधु जी को छोड़ो, शो मैंने किया है, थैंक यू थैंक यू। हार लाओ भाई, एक्सक्यूज मी, हार लाओ। हार क्या बता सकते हैं मैं सुधा का? मुझे फुर्सत नहीं है, चलो चलो कोई और है। बात सुन, सुधा का? अरे यही कहीं होगी, अब वो रही सुधा, तुमसे मिलने को आया है, कम ऑन हरी, अब जल्दी करो, कोई और लाए हार। नेवर माइंड, काफी है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। आपने तो शो बहुत अच्छा किया। जी मैंने नहीं, वो सब मधु ने किया है। लेकिन उसने तो टिकट ये कह के भेजा था कि शो आप कर रही। सुधा सुधा जल्दी करो, प्रेस फोटोग्राफर मेरी फोटो लेना चाहते हैं। अरे आप ये तो सारी चाय पी जाएंगे, जल्दी करो। सुनो, उस दिन के वाकये के लिए मैं आपसे ठीक तरह से माफी भी नहीं मांग सकती। कल आप मुझे मिल सकती हैं? जी अगर आपको बुरा ना लगे तो। अच्छा सुधा सुधा जल्दी करो ना, हरी अप। अगर आपको इतराज ना हो तो। मैं कैसे? कितने सिगरेट पीते हैं आप दिन में? कभी गिनी नहीं, वैसे जब अकेलापन महसूस होता है तो। इस वक्त भी? कुछ देर पहले ऐसे लग रहा था लेकिन अब। छोड़ क्यों नहीं देते? कुछ आदत ही पड़ गई है। आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। कब? शादी के बाद। माँ भी यही कहती है हमेशा। चलिए दो आइसक्रीम। नहीं तीन, एक अपने लिए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारी आइसक्रीम ने रास्ता रोक लिया। अच्छा दूसरी आइसक्रीम किसके लिए? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। अरे हाय कहाँ है, कौन सी है, किधर है, मुझसे नहीं मिलवाओगे? आज अपना पहला दिन है मुन्ना, ये आइसक्रीम खाओ और अपना रास्ता नाप। लो 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 खाओ खाओ। सुधा के ससुराल गई हो कभी? नहीं तो। तुम बहुत पैसे वाले लोग हैं क्या? नहीं रे, कोई खास अमीर तो नहीं, मगर अच्छे खाते पीते लोग हैं। तू क्यों पूछ रहा है? नहीं दीदी, वैसे ही मैं तो इनके पास कार भी है। कार? और सुधा के ससुराल में? ये क्या? अजी आइसक्रीम ना सही, मेरे हाथ से ठंडे पानी का गिलास ही ले लीजिए। बांके, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? मैं तो ये कह रहा था कि घर में कोई ना कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जिससे तुम दिल की बात कर सको। बंदा हाजिर है, राज को राज रखेगा और बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस कभी कभी प्यार की दो बातें करने का मौका दे दिया। बदमाश, मैं बाबूजी से कह दूंगी। क्या कह दोगी बाबूजी से? यही कि मोटर वाले की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है और मेरे हाथ का पानी जहर है। आओ आओ ज्योति आओ, यही अपना घर है। घर में कोई नहीं है, पिताजी मरीज को देखने बाहर गए हैं। आओ 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 ना, घबराने की कोई बात नहीं। यही तो घबराने की बात है कि घर सुना है। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं भी जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी, घर तो देख ही लिया है ना। अरे अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं, ये देखो चारों तरफ धनवंतरी, अरस्तु, लुकमान हकीम के जमाने से लेकर आज तक जो भी जड़ी बूटी हीरा मोती इलाज में काम आया है वो सब यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर दाद, खुजली, खांसी, बलगम, थोड़े फुंसी से लेकर प्लेग, नमोनिया, तपेदिक क्या है? ची 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 ची, कैसी बुरी बीमारियों के नाम ले रहे हो, कोई और बात करो ना। और बात करने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ लाया था। ये क्या? दुनिया भर की सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे है, पर हाय मेरी बीमारी का इलाज। जब इतनी दवाइयाँ यहाँ भरी हुई है तो कोई भी फांक लो। हाय हाय, एक बार मेरे दिल में तो झांक लो,
मैं मरीज इश्क हूँ, मेरी बीमारी का इलाज मेरे बाप के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है। ज्योति जयराम जी की शादी। अरे बाप रे, मेरा बाप हो गया घोटाला। छुपाओ 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 छुपाना छुपाओ। अरे क्या करूँ, जाओ जाओ देखो वो ही क्या छुपाओ छुपाओ छुपाओ। ओके दीपक, ये कौन है? पिताजी ये बाहर बैठे बैठे आपका इंतजार कर रही थी, इनको गर्मी में सर्दी लगने लगी, मैं इनको यहाँ पंखे के सामने ले आया। पंखा? हाँ। कोई बात नहीं, तू हट, उठ, मैं देखता हूँ। माई तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ कोई खास नहीं, इनका दिल घबराता है, इनका दिल धड़कता है, ये लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सांसें लेती हैं, कभी हंसी कभी उदासी कभी भी पलासी। मैं तकलीफ इनसे पूछ रहा हूँ, तुझसे नहीं। मैं इनसे तकलीफ पूछ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, जरा जबान तो दिखलाओ। हाँ पिताजी, ये बुजुर्गों को जबान नहीं दिखाती, सिर्फ बच्चों को दिखाती। कोई बात नहीं। उम्र क्या होगी? 60 साल। 60 साल? ये क्या तुम्हें फिर से सर्दी लग रही है माता जी? माता जी, पिताजी, इनको सर्दी में कब कभी होती है, ये बेचारी घबराती है कि अगर इस उम्र में इनका इलाज नहीं होगा तो बुढ़ापे में इनका क्या होगा। बुढ़ापा? हाँ। 60 साल के बाद भी बुढ़ापा? हाँ। अच्छा। इस बुढ़िया की नफ्स तो जवानों से भी तेज चल रही है। पिताजी मैंने कहा ना, इनको यही बीमारी है। बुढ़ापे में जवानी की बीमारी? तो माई इस बीमारी की दवा किसी भी वैद्य के पास नहीं मिलेगी। हाँ। अरे रे रे रे, ये मेरा शाल कहाँ लिए जा रही हो? अरे रोगिनी, मैं सिर्फ दवा बेचता हूँ, शाल नहीं, समझी? घनचक्कर, ये क्या चक्कर चला रखा है? पिताजी आप तो समझदार हैं। हाँ समझदार हूँ, इसीलिए तो तुझे खबरदार करता हूँ कि आइंदा ऐसी रोगी कभी मेरे दवाखाने में लाएगा तो तेरी हड्डी पसली तोड़कर तुझे ही मरीज बना दूंगा। पिताजी आप डबल कष्ट क्यों करते हैं? पिताजी पहले आप मुझे मरीज बनाएंगे, फिर आप मेरा इलाज करेंगे, इससे अच्छा है कि मेरी और ज्योति की शादी रचा दीजिए। शादी और तेरी? हाँ। बेटे मैं ऐसा बेवकूफ बाप नहीं कि तेरे जैसे निकट्टू बेटे की शादी रचाकर घर में बर्बादी लाऊंगा, समझा? लेकिन पिताजी काम काज तो कुछ करता नहीं, कभी एक फूटी कौड़ी कमाकर नहीं लाया, कितनी बार कहा कि बेटा वैद्य बन जा, लेकिन नहीं, बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा। अभी तो मैं तुझे खिला रहा हूँ, तेरी शादी के बाद तेरी बीवी को खिलाऊं, फिर हर साल तू बच्चा पैदा करे उनका भी बोझ मैं ही उठाऊं। पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, आखिर मैं बैद का बेटा हूँ, कोई बकरी का बेटा नहीं, इतना इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर हमारी सरकार ने फैमिली प्लानिंग के कई तरीके निकाले हैं, जैसे कि तरीका नंबर 1, हमेशा चुप बेशरम, खबरदार जो ऐसी बेहियाई की बात मेरे सामने चलाई। चल बैठ बैठ इधर। क्या करूं, अभी बताता हूं, बैठा दीजिए मुझे लोटा। अभी लाया। राजेश प्रसाद। अरे पूछ तो प्रसाद किस बात का है? मां मैं जरा जल्दी हूँ, फिर पूछ लूंगा। मैंने तुम्हारी शादी पक्की की। मेरी शादी? हाँ, लड़की भी देख ली है, सब बात हो गई। मगर मां मैं शादी वाली नहीं। बहुत टाल चुके, अब मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैंने लड़की को और उसके बाप को बुलाया है, तुम्हें जो कुछ कहना अपने पिताजी। माँ मेरी शादी की बात कर रही थी, कह रही थी उन्होंने लड़की भी देखी। अच्छा, कैसी है वो लड़की? ये मजाक की बात नहीं सुधा, ये हमारी जिंदगी का सवाल है, बात बहुत बढ़ चुकी है। अच्छा, कितनी बढ़ चुकी है? लड़की और लड़की के पिता को माँ ने घर पर बुलाया था, कहती है मंगनी भी हो चुकी।
बस डैडी कहते हैं मेरी शादी की तारीख पक्की हो जाएगी। बड़ी खुशकिस्मत है वो लड़की। अगर वो लड़की मैं हूं तो तुम? मैं आपके घर गई थी, मैंने आपके कमरे में आपकी फोटो देखी, मेरी और आपकी मंगनी हो चुकी है, आपको कुछ नहीं मालूम? नहीं। तो आप मुझसे क्यों मिल रहे थे? मैंने चैरिटी शो में आपके साथ इसलिए बातें की कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब है आप मुझसे खेल रहे थे। नहीं नहीं सुधा, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। जब शो में तुमने मुझसे बात की, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझा। हाँ सुधा, और अब जब तुम सदा के लिए मेरी होने वाली हो, मुझ जैसा खुश नसीब और कौन होगा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप चले जाइए यहाँ से। सुधा, ए हंसी ए महे जबी रूठ कर जाना नहीं, हसीन जुल्फों का रंग दे दो जवान रुख का निखार दे दो, हसीन जुल्फों का रंग दे दो जवान रुख का निखार दे दो, कुछ और तुम तो हसी बना दूं, अगर मुझे एक प्यार दे दो हसीन जुल्फों का रंग दे दो। मस्त आंखें ये लब गुलाबी, महकती सांसें नजर शराबी, ये मस्त आंखें ये लब गुलाबी, महकती सांसें नजर शराबी, महकती सांसें नजर शराबी, लुटा के मुझ पर ये सब खजाने, मुझे खुशी की बहार दे दो, कुछ और तुम तो हसी बना दो, अगर मुझे इख्तियार दे दो हसीन जुल्फों का रंग दे दो। नाजो अंदाज छोड़ भी दो न यूं सताओ करीब आओ, ये नाजो अंदाज छोड़ भी दो न यूं सताओ करीब आओ, न यूं सताओ करीब आओ, तड़पते सीने पे हाथ रख दो धड़कते दिल को करार दे दो, कुछ और तुम तो हसी बना दो, अगर मुझे इख्तियार दे दो हसीन जुल्फों का रंग दे दो। लगा के काजल रचा के मेहंदी मेरे ही गुलशन में आओगे तुम, लगा के काजल रचा के मेहंदी मेरे ही गुलशन में आओगे तुम, मेरे ही
गुलशन में आओगे तुम। जरा मैं खुद को भी अब सजा लूं, तुम अपनी बाहों का हार दे दूं, कुछ और तुमको हसी बना दूं, अगर मुझे इख्तियार दे दो, हसीन जुल्फों का रंग दे दो, जवान रुख का निखार दे दो, हसीन जुल्फों का रंग दे दो। कमला, मैं सुधा के ससुराल से होकर आ रहा हूँ। शादी 15 तारीख की पक्की हो गई, कार्ड भी छपने दे दिए हमें। अब वक्त कम रह गया इसलिए जल्दी करनी होगी। इतनी सारी चीजें खरीदनी बाकी हैं। अब अपनी हैसियत के हिसाब से ही तो होगा सब कुछ। उससे भी ज्यादा, एक ही बेटी है हमारी, इसलिए ये शादी भी ऐसे ढंग से होगी कि दुनिया देखे, किसी तरह की कोई कमी ना होगी। लेकिन इतना रुपया आएगा कहाँ से? रुपयों का इंतजाम कर लिया है मैंने। ये इतना रुपया कहाँ से ले आए? मकान बेच दिया है मैंने। मकान बेच दिया? दहेज में 40,000 रुपया देने का मैंने वादा किया है। 40,000 सुधा के दहेज में? लेकिन मेरा क्या, मेरे बुढ़ापे का क्या? मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तुम इस घर को आग नहीं लगा सकते। अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम हम सबका जीवन बर्बाद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कमला, होश में आओ। अभी मैं जिंदा हूँ, मर नहीं गया। ये घर बार सारा सामान मैंने ही बनाया है, बरसों से अपने पसीने की कमाई से बनाया है। अगर बेटी की भलाई के लिए ये सब कुछ चला भी गया तो कोई बात नहीं। भलाई? बुढ़ापे के सहारे को लुटाकर दर दर की ठोकरें खाने को भलाई कहते हो? एक झूठे अभिमान और बेटी के स्वार्थ को पूरा करके खुद तबाह हो जाने को भलाई कहते हो? तुम भूलती हो कमला, माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज उनके बच्चों की खुशी है, और इस खुशी के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े हंसते हुए देना चाहिए। बेटी पराया धन, इस धन को हम अपने ही धन के साथ पैदा करेंगे और फिर ये सब कुछ दोबारा हो जाएगा। व्यापार में ऊंच नीच तो होती ही रहती है, सब दिन एक से नहीं होते। मैं फिर मेहनत करूंगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा। लेकिन शादी वैसे ही होगी जैसे कि मैंने वादा किया है। तुम दिल छोटा ना करो, भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। दीदी, ये शादी नहीं तुम्हारी बर्बादी। अब मैं समझ गई कि वो इतनी निडर कैसे हो गई और आगे से जवाब क्यों देने लगी है। 40,000 जो मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं भी देख लूं। दूर से बात करो, ऊपर क्यों चढ़े आते हो? अभी तुम्हारे बाप आ जाएंगे तो मुझे जवान से बुढ़िया बनना पड़ेगा। हाय हाय, मैं तो तुम्हें हसीन गुड़िया बनाकर मन की पुड़िया में बांध लूंगा। देखो, मैं ऐसी वैसी बातें करने के लिए नहीं आई, सुधा दीदी की शादी का कार्ड देने। कार्ड? सुनो, तुम्हारी और हमारी शादी के कार्ड नहीं बटेंगे? ऐसे करो, अपने बाप से बोलो कि मेरी दीदी से बात कर ले। बाप? बाप रे बाप। सुनो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाप को बीच में से गोल कर दें और तुम खुद ही अपनी दीदी से बात कर लो। ये मुंह और मसूर की दाल। वारे वाह मेरे बांके लाल। क्यों बे बंदर, मुझे तेरी सब हरकतें मालूम थी, इसीलिए मैं इसके पीछे यहाँ तक आया हूँ। आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी आपके बाप को देखते हैं। क्या कहा? अपने बाप को देखते हैं। बकवास बंद कर, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। भैया, तू चुप रह और तू सुन ले। अगर तूने फिर कभी इससे बात करने की कोशिश की या घर के चक्कर लगाए तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? चल मेरे साथ। अरे ज्योति, ज्योति! मर गया। मेरा बाप जो था सो था ही, ये तो उसका भी बाप निकला। एक नदी के दो किनारे मिलने से मजबूर। ज्योति! आ गया आ गया, दो दिलों को हमेशा के लिए मिलाने वाला, प्यार की घड़ी नजदीक लाने वाला प्रेम पत्र आ गया। ऐसी भी क्या जल्दी, इतनी भी क्या बेताबी, ये तो सिर्फ कार्ड है, मिलन तो भी बहुत दूर है। चल हट, मुझे नहीं देखना कार्ड। अरे नाराज क्यों होती है? लव मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मान्यवर, हमारी बेटी कुमारी सुधा वर्मा का शुभ विवाह
श्रीमान मनोहर लाल जी के सुपुत्र चिरंजीव सुधीर कुमार के साथ। सुधा, सुधा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। बेटी सुधा, देखिए शादी के कार्ड से इन्हें भेजने के लिए मैंने नामों की लिस्ट बना दी है, तू जरा देख तो ले। और हाँ, तू भी जिन जिन को बुलाना चाहे उन्हें कार्ड भेज दे। बैठे मानो कोई बहुत बड़ा सवाल हल कर रही हो। बात ही कुछ ऐसी है बाबूजी, मुझे अपनी सहेली को एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब देना है। जवाब किस बात का? उसके पिता ने उसकी शादी किसी से तय कर दी है, लेकिन अनजाने में वो किसी और से प्रेम करने लगी और उसे ही अपना सब कुछ समझ बैठी। अब वो अपने पिता की बात रखे या अपने प्रेम का साथ निभाए, बस इसी बात का जवाब देना है मुझे। अब आप ही बताइए क्या करे वो लड़की? जो एक अच्छे घर की बेटी को करना चाहिए, वो कभी भी अपने पिता का सर नीचा न होने देगी, कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके पिता की उम्मीदों और उमंगों पर पानी फिर जाए और वो किसी के सामने शर्म से आंख उठाकर भी न देख सके। वो अपने खानदान के हिस्से पर अपने प्रेम का बलिदान कर देगी। इसी में सुख है, इसी में शांति। तुम ही फैसला करो, अगर उस लड़की की जगह तुम होती तो क्या करती? वही जो आपने कहा और जो हर बेटी का धर्म है। मैं उस लड़की को भी समझा दूंगी कि उसे कैसे भी जिंदगी काटनी पड़े, उसके दिल पर कुछ भी बीते, पर अपने पिता के दिल को ठेस न पहुंचने दे, है ना? हेलो सुधीर। हेलो राजेश। अच्छा, तुम्हारी शादी का कार्ड? बहुत बहुत बधाई हो। सूरत देखो, दुल्हन की तरह शर्मा रहा है। अच्छा माताजी, मैं चलूं, बहुत सारे कार्ड बांटने को। बेटे चाय तो पीता जा। नहीं माताजी, फिर कभी आऊंगा। अच्छा राजेश, बाय। बाय बाय सुधीर। देखो मैं इसकी शादी का कार्ड। मिसेज एंड मिस्टर मनोहर लाल कॉर्डियली इनवाइट यू ऑन द हैप्पी ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन सुधीर विद सुधा। सुधा, अरे वाह, देखा मां, इसे कहते हैं दोस्ती। बचपन में एक साथ खेले, बड़े हुए, पढ़े लिखे और शादी भी हो रही तो एक नाम की दो लड़कियों के साथ, एक उसकी सुधा और एक आपकी होने वाली बहू का नाम सुधा। जरा देखें ये कौन सी सुधा है। सुधा, क्या कह रहा है? तेरी शादी तो शारदा के साथ हो रही है बेटे। शारदा? हाँ, मेरी शादी तो सुधा के साथ हो रही ना। सुधा? हाँ माँ, सुधा यहाँ आई थी, आपने खुद उसे पसंद किया था। नहीं बेटे, मैंने शारदा को पसंद किया था, शारदा अपने पिता के साथ यहाँ आई थी। क्या? तो फिर सुधा कहाँ गई थी? सुधीर, मेरा फोटो, सुधीर के घर, ये सब क्या हो गया माँ? ये सब क्या हो गया माँ? क्यों, क्या हो गया बेटे? जो ना होना चाहिए था माँ, जो ना होना चाहिए था। बता तो सही,
क्या बात है? बात बताने ही लायक नहीं रही तो क्या बताऊंगा। ये सब कैसे हो गया सुधा? अगर ऐसे ही करना था तो मेरे दिल से खेलने की क्या जरूरत थी? खेल में नहीं, किस्मत में खेला है और ये उसका लेख है। हम इस लेख को बदल सकते हैं, अभी तो सिर्फ कार्डी छपे हैं, हम इन अक्षरों को बदल देंगे। इस कार्ड पर छपे अक्षरों में दो घरों के वचन और विश्वास की बुनियाद रखी गई है और उसको निभाना हमारा धर्म है। तो हमारे वचन और विश्वास का क्या, हमारे सपनों का क्या जो हम दोनों ने मिलकर सजाया? वो सपने थे, ये सच्चाई है। यानी वो सब झूठ थे, बनावट थी। सुधा, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी आजाद ख्यालात की लड़की समझता था। पढ़ाई लिखाई समाज की सीमा को नहीं तोड़ सकती। लेकिन सुधार तो कर सकती है, तुम अपने पिताजी से साफ साफ क्यों नहीं कहती? अगर मेरे माँ बाप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कहीं और बांधना चाहेंगे तो मैं उस बंधन को तोड़ दूंगा। आप मर्द हैं, मैं औरत हूँ, किसी की बेटी हूँ और एक अच्छे घर की बेटी। अपने पिता का सर कभी नीचा नहीं होने देती, यही हमारे देश और धन की मर्यादा है। तुम मुझे उस मर्यादा पर कुर्बान करके मोहब्बत की राह में अकेला छोड़ सकती हो? ऐसा ना करो सुधा, मैं भटक जाऊंगा, बहक जाऊंगा। मैं मजबूर हूँ, आपसे विनती करती हूँ, बस बस एक वादा कीजिए। क्या? आप मुझसे जिंदगी भर नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो ऐसे जैसे हम एक दूसरे को जान दे सकते हैं। भूल और गलत फहमी के लिए आपसे माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। पिताजी का तार आया है, वो परसों आ रहे हैं। अरे ये क्या, कहाँ जा रहा है? कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन तूने तो मुझसे कभी नहीं कहा। मुझे खुद मालूम नहीं था माँ, सब कुछ अचानक हो गया। बेटे सुधीर की शादी है, अगर तू चला गया तो वो बुरा मान जाए, कुछ दिन ठहर जा। सुधीर की शादी की मुबारकबाद, मैं वहीं से भेज दूंगा माँ। तू रो चिल्ला कुछ भी कर, मैं तेरी शादी नहीं करने वाला। आप पिता नहीं पत्थर है, कॉकरोच है। अपनी शादी रचाकर मुझे इसलिए पैदा किया था कि मैं जिंदगी भर कुंवारा पड़ा रहूं। पड़ा रहे चाहे खड़ा रहे, अब एक कॉकरोच के औलाद जब तक तू कमाने नहीं लगेगा मैं तेरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। मेरे पास एक पैसा भी फालतू नहीं है तुझ पर खर्च करने के लिए, समझा? मेरा क्या होगा, या तो खून की नदियां बह गई। खून? ये तो सिर्फ पानी है। आप कैसे पिता हैं जो अपने बेटे की खुशी से ज्यादा नए पैसे से प्यार करते हैं? पैसा क्या पेड़ों में लटका रहता है कि जब जी चाहे तोड़ लिया है? अरे मैंने तो जिंदगी भर हड्डियां चटका चटका कर जमा किया, इसलिए नहीं कि तेरे जैसे निकट्टू पूत पर लुटा दूं। पिताजी हाँ, आप मुझे गुस्सा मत रही। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुझे गुस्सा आए और तू कुछ करके दिखा। पिताजी मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। चला जा, फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। ना ऑलराइट, आई एम गोइंग। गो गो गो, देखता हूँ कहाँ जाएगा और कब तक नहीं आएगा। ओके आई एम गो वेंट एंड गो। हाँ अबे नंगा ही जाएगा क्या? मैं इस दुनिया में नंगा आया था, नंगा ही जाऊंगा। जो जी में आकर
ससुराल वालों ने दुल्हन के लिए कुछ भेजा है। तुम लोग हटो, सुधा जरा हाथ तो बताओ। घबराओ नहीं, तुम्हारे उन्होंने तुम्हें अपने रंग में रंगने के लिए मेहंदी भेजी। लगा के काजल रचा के मेहंदी मेरे ही गुलशन में आओगे तुम। लगा के काजल रचा के मेहंदी मेरे ही गुलशन में आओगे तुम, मेरे ही गुलशन में आओगे तुम। जरा मैं खुद को भी अब सजा लूं, तुम अपनी बाहों का हार दे दूं, कुछ और तुमको हंसी बना दूं, अगर मुझे इख्तियार दे दो, हसीन गुलों का रंग दे दो। सुधा, क्या हुआ तुम्हें? बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो सुधा। जरा सुनिए जी, वो दहेज के रुपए। हाँ अभी नजर करता हूँ, रखे हुए हैं, मैं लाता हूँ। हमारा मुंह काला हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। बांके को बुलाओ, जरूर बांके ने। पागल हो गए हो क्या? बांके की इतनी मजाल हो सकती है जो अलमारी को हाथ लगाए? तो रुपए क्या, अलमारी खा गई। कन्यादान का मुहूर्त निकला जा रहा है, वर्मा जी आइए। अब यहाँ क्यों खड़े हो? कह तो चोरी हो गई, शादी के बाद दे देंगे। जाओ ना भगवान के लिए, जाओ ना। मेरी इज्जत आपके हाथ में, दहेज के जो रुपए रखे थे वो अचानक अलमारी में से गायब हो गए। वर्मा जी, मनोहरलाल कच्ची गोलियां नहीं खेला, पहले दहेज बाद में शादी। शादी हो जाने दीजिए, मैं वादा करता हूँ दहेज की सारी रकम मैं अदा कर दूंगा। अजी, जो दहेज की रकम शादी के मौके पे नहीं दे सका, बाद में कहां से देगा और क्यों देगा? इंसान की जबान एक बहुत बड़ी चीज होती है, मैं वचन देता। वचन वादा ब्याह पक्का होने से पहले ही हो चुका था। देखिए भरी सभा में मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए। अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो करार के 40,000 रुपए पहले ही नजर कर देने चाहिए थे।
इस कदर धोखेबाजी की क्या जरूरत है? मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया मनोहर लाल जी, मेरी किस्मत मुझे धोखा दे रही है। तो आपकी किस्मत के साथ मैं अपना मुकद्दर क्यों जोड़ूं? सुधीर, ये शादी नहीं होगी। सुधीर सुना नहीं, अब ये शादी नहीं होगी। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा मनोहर लाल जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। सुधा, मैं अपनी आंखों के सामने आपका अपमान नहीं होने दूंगी। उस दिन आप ही ने कहा था, एक अच्छे घर की बेटी अपने बाप का सर नीचा नहीं होने देती, और आज आज मेरे सामने दहेज मांगने वाले इस लालची आदमी के पैरों में पगड़ी रखकर दया की भीख मांग रहे हैं। ये सिर्फ आपका और मेरा अपमान नहीं, देश की तमाम बेटियों का अपमान है। तू नहीं समझती, बेटी दरवाजे पर आई बारात अगर वापस लौट गई तो फिर तुझसे कौन शादी करेगा? बेटे के बाप की मजबूरी न समझने वाले, जानवरों की तरह इंसानों का मोल भाव करने वाले, ऐसे कसाईयों के साथ जीवन बिताने से तो चले कुमारी रहना ही अच्छा। चले जाइए, मैं कहती हूँ चले जाइए। आपके इस खार लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। चल सुधीर। ये तो चल लो, हट जाओ भाई, चल। नहीं नहीं सुनिए तो, इन्हें रोकिए, कोई रोको इन्हें, बेटी रोको इन्हें, रोको मत, मेरी बेटी का क्या होगा? पंडित जी ने रोकी रोकी इन्हें, पंडित जी सब कुछ लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब रोकिए इन्हें। शांति कीजिए बाबा जी। नहीं 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 बाबूजी, 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 जी अभी कुछ खास नहीं, लकवे का बहुत सीरियस अटैक हुआ है, जबान के साथ साथ हाथ पांव भी काम नहीं कर रहे। तो डॉक्टर साहब, इनके कब तक ठीक हो जाने की आशा है? ऐसी हालत में तो टाइम लगता ही है। आप घबराइए नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आप ये इंजेक्शन और मंगवा लीजिएगा, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। आप इनके लिए एक व्हील चेयर मंगवा लीजिए, जब कभी भी इनका दिल घबराए तो आप इन्हें उस पर बिठा कर जरा थोड़ा इधर उधर घुमा दीजिए। अच्छा, याद है जब मैं छोटी थी तो आप कहा करते थे कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते करना चाहिए। फिर ये आंसू कैसे बाबूजी? बाबूजी जो कुछ हो गया उसे भूल जाइए, मुझे शादी ब्याह नहीं करना, मैं फिर से नौकरी करूंगी, आपका अच्छे से अच्छा इलाज करूंगी, जिंदगी भर आपकी सेवा करती रहूंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से अच्छे हो जाइए बाबूजी, जल्दी से अच्छे हो जाइए, मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती। सुधीर की शादी रुक गई, इसका मतलब है सुधा की शादी नहीं हुई। पता नहीं बीबी ने कहां रखा है बड़ू का माल। तो ये वो रुपए हैं जो चोरी हुए थे और तुम्ही ने चुराए थे, सुधा रुपया दे दो वरना अच्छा ना होगा। बदतमीज, मुझे धमकाता है, मैं भी माँ को बुलाती हूँ। बुलाओ, शौक से बुलाओ माँ को, लेकिन याद रखो उस बूढ़े अपाहिज के सिवाय घर में कोई नहीं है। दे दो रुपए, मैं कहता हूँ मेरी बात मान दो, लेकिन जबरदस्ती चाहती हो तो याद रखो इन रुपयों के साथ साथ तुम भी नहीं बचोगी मेरे हाथ से।
और फिर इसमें हरे जी क्या है? जब तुम बाहर वालों के साथ ऐश कर सकती हो, मैं तो फिर भी घर का आदमी। बाकी मैं तुम्हारी जवानी दहेज की आग में झुलस से नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है? तुम बड़े अच्छे मौके पे आ गई दीदी। तुम्हारे रुपए लेके भाग रही थी, मैंने पकड़ लिया। नहीं माँ, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये खुद रुपए लेकर भाग रहा था, मैंने इसे रोका तो इसने मुझे। माँ माँ, इस नीच को घर से बाहर निकाल दो। वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भला मैं दीदी के रुपए क्यों निकालता? दीदी और मैं कोई दो है क्या? सुधा लाओ, ये रुपए मेरे हैं। तो क्या तुम्ही ने बाबूजी की अलमारी से रुपए निकाले? ये इस घर का रुपया है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। इस घर की इज्जत को नीलाम करवा के बाबूजी को लाचार और अपाहज बनाकर अच्छा अधिकार जताया तुमने। चुप रहो, बको मत, जिंदगी भर चुप रही। अब चुप नहीं रह सकती। मेरे साथ इस घर में जो कुछ हुआ मैंने सहा, लेकिन बाबूजी का क्या कसूर था? वो लोगों के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, हाथ फैला फैला कर भीख मांगी उन्होंने, और तुम खड़ी तमाशा देखती रही। सुधा, कैसी माँ, कैसी पत्नी हो तुम, जिसे अपने घर, अपनी बेटी और पति की चोरी की। मुँह में जो आया बक्ती चली जा रही है। इस घर में रहना है तो जैसे मैं कहूँ वैसे ही रहना होगा, नहीं तो निकल जाए यहाँ से। चल मैं कहती हूँ। बाबूजी सुन लिया आपने, अपना घर अब मेरे लिए पराया हो गया है, जहाँ मेरी इज्जत का भी ठिकाना नहीं। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद आपकी देखभाल कौन करेगा? नहीं नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये लोग आपको मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे। सुधीर की शादी क्यों रुकी? लड़की का बाप दहेज के रुपए नहीं दे सका, इसलिए मनोहर लाल जी फेरों पर से बारात वापस ले आए। आजकल के जमाने में ऐसा भी होता है माँ? क्या आदमी इतना गिर सकता है कि लालच के हवस में गरीब लड़की की जिंदगी तबाह कर दे? ऐसे लोग इंसान नहीं, हैवान है, समाज का दुश्मन है। छोड़ बेटे, हमें क्या करना है, अपनी करनी अपने साथ। इस करनी का जिम्मेदार सुधीर भी है। जी चाहता है अभी जाकर उसका गला खोल दूं। बाप के सामने वो क्या कर सकता था? जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा सकता था, लालची बाप की परवाह न करके सुधा को अपना सकता था। हमें भी इस बात का दुख है बेटा, विवाह मंडप में बैठी हुई कन्या का संबंध टूट जाए तो समझो उसके भाग्य फूट गए। कौन शरीफ और इज्जतदार अपनाएगा उसे? मैं अपनाऊंगा माँ। राजेश, किसे अपनाओगे राजेश? खामोश क्यों हो गए? गर्दन झुक क्यों गई? वैसे दीन दुखी अनाथ और विधवा स्त्रियों के लिए आश्रमों की कमी नहीं है। वो दीन दुखी नहीं है पिताजी, अनाथ नहीं है और विधवा भी नहीं, वो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। हो सकती है, लेकिन जिसके साथ हमदर्दी हो, जिसकी वकालत कर रहे हो, उसको अपने ही घर में ले आना ये जरूरी नहीं है। ये बहुत जरूरी है। अगर सुधा के पिता ने सुधीर के साथ उसकी शादी का सौदा नहीं कर दिया होता तो आज वो इसी घर की शोभा बनकर आती। सौदे में निकम्मा साबित हुआ माल मेरे घर की शोभा बनकर आता, लाता कौन? तू? हाँ पिताजी। मेरी मर्जी के खिलाफ? आप खुद ही मान जाएंगे जब उसे देख लेंगे। नहीं, हरगिज़ नहीं। हम तुम्हारी शादी तय कर चुके हैं और अब यह रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। राजेश, हमसे नाता तोड़कर ही तुम उस लड़की से रिश्ता जोड़ सकते हो। ठीक है, अगर नौबत यहां तक पहुंच गई है तो मुझे यह भी मंजूर है। राजेश, ये तू क्या कह रहा है बेटे? मैं ठीक कह रहा हूं मां। अगर मेरे दिल की पुकार, मेरे इरादे, मेरी तमन्नाओं से इस घर को कोई हमदर्दी नहीं, फिर ये घर मेरा नहीं, आपका है। बेशक हमारा है, हमने इस घर को अपने खून पसीने से सींचा है। ये धन दौलत इज्जत जमीन जायदाद मैंने अपनी मेहनत और मशक्कत से पैदा की है। मैं इन सब चीजों को एक नालायक बेटे पर कुर्बान नहीं कर सकता। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अगर आपने अपनी जिंदगी खुद बनाई है तो आपका खून भी इतना गया गुजरा नहीं।
जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। राजेश, आखिरी बात सुन लो, ये उठा हुआ कदम इस घर में वापस नहीं आ सकेगा। यह आपके बेटे का कदम है, जब उठ सकता है तो आगे बढ़ना भी जानते हैं। राजेश रुकिए, भगवान के लिए इसे रोकिए। जाने दो ऐसे नालायक को, मैं इसकी सूरत में ही देखना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ, मैं समझूंगा इस घर में औलाद ही पैदा नहीं हुई, मेरे को बेटा ही नहीं था, मेरी कोई संतान ही नहीं थी। सुधा ने मुझे कहीं कदा छोड़ा, ना जाने उन्हें कहां लेकर चली गई है। बाके जल्दी उन्हें तलाश कर, नहीं तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। दीदी चतुराई तो इसी में है कि इस बुराई पे पर्दा ही पड़ा रहे, कोई पूछेगा तो कह देना इलाज के लिए बाहर भेजा है। हाँ अब तो यही कहना पड़ेगा। बाके जल्दी से जल्दी उनका पता लगाना चाहिए। उसकी चिंता मत करो दीदी, छुपी हुई चीजों का पता लगाना ही मेरा काम है, एक ना एक दिन ढूंढ ही निकालूंगा। ओहो तुम हो, क्या मुझे जानते? सिर्फ देखा है, जानने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं समझा नहीं। मैं आपको समझाना भी नहीं चाहता, निकल जाओ यहां से। देखिए आपको कोई जरूर गलतफहमी हो गई है, मैं तो सिर्फ मिस सुधा से मिलने आया था। वो अपनी बदकारियों की वजह से इस घर से निकाल दी गई, समझे आप? निकाल दी गई सुधा, और बदकारियों की वजह से? नहीं नहीं। हाँ तुम जैसे लोगों की सोहबत में रहकर वो इस घर के काबिल ना रही थी। ये सब झूठ है सुधा, ऐसी कभी नहीं हो सकती। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, जिस लड़की ने इस घर की इज्जत बचाने के लिए अपने प्यार का त्याग किया हो, आज आप उस लड़की पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, निकल जाओ यहां से। ठीक है, अब मुझे यहां ठहरने की कोई जरूरत भी नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते ये पूछना चाहता हूं वो कहां गई। हर राह चलने वाले से पूछो, हर गली कूचे में आवाज लगाओ, सड़कों की खाक छानो, मजनू बने घूमो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी तुम। ये तो क्या, सुधा को ढूंढने के लिए इससे ज्यादा भी करना पड़ा तो करूंगा। ये जगह है। ठीक है, आप चिंता न कीजिए बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। कल जरूर मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, फिर हम जगह भी बदल लेंगे और मैं आपका इलाज भी कराऊंगी। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। क्यों आ गई मेरी बच्ची? आज क्या मिला? पैसे मिला बाबा। तेरी भीख ने तेरे बाप को पकड़ दिया रखा। इस भरी दुनिया में तेरे सिवा और कौन मेरा सहारा है मेरी बच्ची? दवा
लिए कुछ खाने को लाई, अभी खिला दूंगी। मुझे भूख लगी थी ना, इसलिए मैंने बाहर खाना खा लिया। बाबूजी आप सोचते होंगे इतने दिन हो गए मुझे नौकरी नहीं मिली, हम क्या करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए ऐसा। मुझे विश्वास है मुझे नौकरी मिल जाएगी। आज मैं फिर अपने पुराने ऑफिस गई थी। मैनेजर साहब ने मुझे विश्वास दिलाया है कि हेड ऑफिस से जवाब आते ही मुझे फिर से रख लेंगे। अब मत घबराइए बाबूजी, मत घबराइए। मैं आपको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे भीख क्यों ना मांगनी पड़े। तू आ गई मेरी बच्ची। आज क्या मिला? चारा न पैसे मिले हैं बाबा। तेरी इस भीख ने ही तेरे बाप को अब तक जिंदा रखा। तू इस धरती पर एक बोझ बन के रह गया है, ऐसा बोझ जो अब कभी किसी के काम नहीं आ सकता। तेरी वजह से आज तेरी अपनी बेटी की हालत है। तेरे लिए उसने मालूम नहीं कितने दिन से खाना नहीं खाया, भूखी रह रहकर सारा दिन पागलों की तरह नौकरी की तलाश में तड़पती रही और तू उसकी कोई मदद नहीं कर सका। अब तू सिवाय एक जिंदा लाश की और कुछ नहीं। तुझे अब जीने का भी कोई हक नहीं। इसकी जिंदगी से चला जा, इससे पहले कि वो भूखी प्यासी घुट घुट कर तेरे लिए जान दे दे, तू चला जा। क्या तू ये भी देखना चाहता है कि तेरा अपना खून तेरे इस अपाहज तन के लिए हाथ फैला फैला कर लोगों से एक एक पैसे की भीख मांगे और बिलक बिलक कर कहे, बाबू बाबू एक पैसा दे दो, मेरे बाबा भूखे उनके लिए एक पैसा दे दो। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं चला जाऊंगा इसकी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी बच्ची, मेरी लाडली, तू हमेशा सुखी रहे, तुझ पर कभी किसी तरह की आंच ना आए। तेरा बदनसीब बाप इस मनहूस साय को लेकर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। बाबूजी बाबा, बाबा मेरे बाबूजी को देखा? इन आंखों ने जन्म से कुछ भी तो नहीं देखा बेटी, तरसती ही रह गई। दुनिया वाले ये क्या किया रे दुनिया वाले, जहाँ के गम तूने सभी मुझको दे डाले। ये क्या किया रे दुनिया वाले, जहाँ के गम तूने सभी मुझको दे डाले। ये क्या किया रे दुनिया वाले, ये
बेदर्दी ओ हर जाई, देख ली मैंने तेरी खुदाई। ओ रे बेदर्दी ओ हर जाई, देख ली मैंने तेरी खुदाई। पहले ही मेरा दिल घायल था और भी उस पर चोट लगाई। तूने रुला के मुझे दर दर फिरा के मुझे, कब के ये अरमान निकाले। ये क्या किया रे दुनिया वाले, जहाँ के गम तूने सभी मुझको दे डाले। ये क्या किया रे दुनिया वाले। सूरज रात के तारे बन गए सब के सब अंगारे। सुबह का सूरज रात के तारे बन गए सब के सब अंगारे। आस के बन तोड़ के तूने छीन लिए सब आज सहारे। मेरे लहू की कसम और भी करके सितम, आग तू दिल की बुझा ले। ये क्या किया रे दुनिया वाले, जहाँ के गम तूने सभी मुझको दे डाले। ये क्या किया रे दुनिया वाले, जहाँ के गम तूने सभी मुझको दे डाले। ये क्या किया रे दुनिया वाले। तबीयत अच्छी नहीं लगती,
चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। मेरा कोई घर नहीं। कितने दिनों से भूखी हो? मेरे साथ चलोगी? माँ के मंदिर से बेटी निराश जाए ये भी तो नहीं हो सकता। मुझे भी खाली हाथ नहीं भेजा, बेटा मांगने आई थी, माँ ने मुझे बेटी दे दी। चलो बेटे आओ। ये प्रसाद बाट। अच्छा। आओ। अरे अरे ये क्या? यही मेरी जगह है माँ जी, आपने मुझे आसरा दिया, अब ये जीवन आपके चरणों में ही बीतेगा। ऐसा मत कहो, मैं तो कुछ भी नहीं, ये सब भगवती की कृपा से हुआ है। नाम क्या तुम्हारा? जिसके नाम से निराशा भी नफरत करे उसका क्या नाम हो सकता है? आशा नहीं छोड़ा करते बेटे। आशा? अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, आशा नाम होते हुए भी निराशा की बातें क्यों करती हो? नहीं माँ जी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं है माँ जी, एक पिताजी का सहारा था। रो नहीं बेटी, अब इस घर को ही अपना घर समझ लेना, और हो सके तो मुझे ही अपनी माँ समझना। आप रो रही हैं माँ जी, दूसरों के दुख देखकर इंसान को अपने दुख याद आ जाते हैं। दुख? और आपको माँ जी? भगवान ने एक बेटा दिया और वो क्या हुआ उन्हें? एक ऐसी लड़की उसके जीवन में आई जिसने उसे माँ बाप से अलग कर दिया। लड़की? हाँ, एक नागिन जिसने मेरी खुशियों को टस लिया, मेरे हरे भरे संसार में आग लगा दी। वो बेशरम किसी अच्छे घर की बहू बनने के लायक नहीं। वो लड़की नहीं माँ जी, राक्षसी है जिसने अपने स्वार्थ के लिए माँ के दिल को तड़पाया और बेटे को माँ बाप से अलग कर दिया, और अब बाप अपने हक पर और बेटा अपने सिर पर। ओहो, फिर वही रोना धोना। उस नालायक को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं और तुम उसके लिए रो रो कर जान दे रही हो। कान खोल कर सुन लो, वो नालायक उस आवारा लड़की के साथ इस घर में कभी कदम नहीं रख सकता। ये कौन है? एक दुखियारी है बेचारी, इसे मैंने अपने पास रखा है, ये मेरी देखभाल करेगी। ठीक है, लड़की जरा इधर आओ। देखो आजकल ये जरा परेशान सी रहती है और इनकी तबीयत खराब रहती है, तुम इनको खुश करने की कोशिश करना। आप चिंता ना करें, मैं इनकी पूरी पूरी देखभाल करूंगी। अरे मिर्जा जी, आप यहाँ सर्कस वाले पोज में? कौन तुम? दी सेम गोली वाले लौंडे, फिर यहाँ आए कब के? जाओ यहाँ से, आई डोंट वांट टू सी योर फेस एट ऑल। लेकिन आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मेरी जीवन चालू गोलियों के होते हुए आपकी ये दशा? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। ये लीजिए मेरी जीवन चालू गोली खाइए। हैं? गोली? अगर तुमने गोली का नाम लिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, आई विल शूट यू। जाओ यहां से, मुझे जरा चैन से लटकने दो, लेट मी हैंग पीसफुली मुन्ना। लेकिन मैं तो आपके कष्ट नष्ट करना चाहता हूँ। अरे क्या, मैं तो खुद ही नष्ट और भ्रष्ट हो जाऊंगा। तुम जाओ ना, जाओ। वाह वाह वाह, बड़ी किस्मत से तो मुझे नौकरी मिली है। और मैं चला जाऊं यहाँ से? तुम और यहाँ नौकर? तो लो भाई, हम ही यहाँ से जाते हैं। नर्स जी आप क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या करते हो, तुम पागल हो गए? अरे नर्स साहिबा, अगर इसी तरह यहाँ लटकना है तो किसी अच्छी जगह जाकर लटकेंगे, लेकिन जहाँ ऐसे गोलियों वाले नौकर होंगे वहां मैं एक मिनट भी नहीं टिक सकता। आई डोंट वांट टू स्टे हियर फॉर अ मोमेंट। अरे
दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, अरे मुन्ना हम तो यहाँ से सफर करते हैं, आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी टू द मून, टू द मून, टू द ग्लोरियस। राजेश तुम उससे बात तक नहीं करते, ये कैसी नाराजगी है? ये अस्पताल है, बात करने की जगह नहीं। लेकिन इसके अलावा तुम मिलते भी कहाँ हो, घर भी नहीं जाते, क्यों? ये मेरा अपना मामला है, डू यू माइंड? मैं भी तो तुम्हारा अपना ही दोस्त हूँ। तुम जैसा बेईमान और उस दिन मेरा दोस्त। राजेश अपने पिता के सामने खामोश रहकर जो बुजदिली मुझसे हुई उसके लिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है, दोस्ती की लाज रखने के लिए ही भगवान ने मुझे बुजदिल बना दिया था। मेरी आत्मा की आवाज को इसलिए दबा दिया कि सुधा पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। राजेश उस बेचारी को अपना लो, उसे अपना लो राजेश। सुधा को अपनाने के लिए मैंने सारे जमाने से बगावत की, बहुत ढूंढा है मैंने उसे, न जाने वो कहां चली गई, अब तो डर लगने लगा है वो इस दुनिया में है भी या नहीं। चाचा जी आप यहाँ, सुधा भी आपके साथ है, तो फिर वो कहाँ है? चाचा जी आप फिक्र मत करिए, मैं भी इसी अस्पताल में सी ग्रेड का कंपाउंडर हूँ, मैं आपकी देखभाल करूंगा, लाइए मैं आपका एक्सरे देखूं। ये क्या हो रहा है? अरे आप यहाँ डॉक्टर हैं? तुम? मैं दीपक हूं, मैं यहां सीक्रेट कंपाउंडर हूं, मैं आपको सुधा के साथ चैरिटी शो में मिला था। सुधा के साथ? सुधा कहां है? मुझे खुद मालूम नहीं, आप उनके पिताजी हैं। सुधा के पिताजी? चाचा जी सुधा ही आपको घर से लेके निकली थी ना, तो फिर वो कहां है और आप यहां कैसे आ गए? सड़क पे बेहोश पाए गए थे, कुछ लोग इनको उठाकर यहां ले आए, इनका केस बहुत होपलेस है, बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं, उनकी राय में ठीक नहीं हो सकते, हो सकता है ये जिंदगी भर ऐसी रहे। बेचारे चाचा जी। अरे ये क्या, कहां जा रही हो? पूजा घर में, आज कितने दिन हो गए मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन भी न कर सकी। ठीक हो जाओगी तो अपने ठाकुर जी के दर्शन कर लेना, अब आराम करो। अब तो मैं मर के ठीक होऊंगी। अरे कौन है मेरे पूजा घर में, कौन पूजा कर रहा है? जाओ अब कितना किसे कहूं दुख दर्द बंधी जब तुझसे प्रीत की डो।
जी के दर्शन नहीं किए थे तो मन व्याकुल था। बेटी, जब तुमने सब काम अपने ऊपर ले लिए हैं, तो एक बोझ और संभालो गृहस्थी का। ये क्या माँ जी? अगर मेरी अपनी बेटी होती तो वो भी न करती जितना तुम कर रही हो। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही माँ जी। आशा, मुझे छोड़कर जाओगी तुम ही ना? नहीं माँ जी, आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलिए। दीदी, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? कुछ खबरी सुनाने के लिए। काहे की? कि मुझे नौकरी मिल गई। चलो अच्छा हुआ, मेरे सर का बोझ जरा हल्का हो जाएगा। दीदी जरा क्यों, बिल्कुल हल्का हो जाएगा, समझो कि हो गया हल्का। अच्छा दीदी मैं जाऊं? अच्छा। भैया वो ज्योति, मुझे नौकरी का बुलावा आ गया है और गाड़ी का वक्त भी हो गया है, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें खत लिखूंगा। बाय बाय। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने पैसा दिया है, कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, आपको मैंने अपना टाइम दिया, आपने क्यों नहीं इंतजाम किया? मुझे अब इस घर का कब्जा चाहिए। आप कब्जा ले लीजिए, पर हमें किसी भी एक कोने में पड़े रहने दीजिए। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली। अरे वरी तुम देखते क्या हो, उठाओ सामान, बाहर फेंको। चलो सत्यानाश उस पाके का, देखो मेरी क्या हालत कर दी है। जैसे तुमने आज तक जिंदगी में किसी की हालत पर रहम किया है। चाची अपने आप को देखो, किसी दूसरे को क्या कहती हो? हाय राम। चुप रहो, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। इस घर की बर्बादी तुम्हारी वजह से हुई है, किसी को तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ दीपक, मुझे यूं ठोकरे खाने से बचा लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसानों को याद रखूंगी। मुझे तुम्हारी यादें नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। मैं कहूंगा उठो तो उठो, मैं कहूंगा बैठो तो बैठो, अगर मानोगी तो तुमको आसरा मिलेगा। बोलो मंजूर है? मैं वचन देती हूँ। वेरी गुड,
तो समझ लो आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। चाची, अगर तुमने एक अच्छी पत्नी और माँ का फर्ज ठीक से निभाया होता तो आज तुम्हारे घर और पति की ये हालत ना होती। ये अरे पेशेंट गायब। अरे सिस्टर, ये पेशेंट कहाँ गया? स्पेशल रूम नंबर 5। माय गुडनेस, फॉलो मी। देयर ही लाइज। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। दीपक, इस तरह मरीज को परेशान नहीं क्या करते? ये कौन है? आप इनकी धर्मपत्नी हैं। डॉक्टर साहब, मुझे इनके पास रहने दीजिए, इनकी सेवा करने दीजिए, प्रायश्चित करने दीजिए अपने पापों का। ठीक है, आप इनके पास रह सकती हैं। बड़ी मेहरबानी दीपक, उस सत्यानाशी बाघे ने। प्लीज रोइए मत। चाची तुम फिक्र मत करो, मैंने बांके की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी है। तुम चाचा जी की सेवा करो, मैं उस रावण की सेवा करता हूं। सुनो, डॉक्टर साहब आ गए हैं। मैंने कितनी बार कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब माफ कीजिए, मेरा बेटा डॉक्टर है, मैं इलाज कराऊंगी तो उसी से, वही मुझे दबा देगा, उसे देखकर मेरा सारा रोग दूर हो जाएगा। ओ, तुम तो खाम खा जिद कर रही हो। एक्सक्यूज मी, जिद ये नहीं आप कर रहे हैं। प्लीज कम। देखिए, मरीज का दिल रखना भी बहुत बड़ा इलाज है। लेकिन बात यह है डॉक्टर, बात कुछ भी हो, अगर आप इनकी जिंदगी चाहते हैं तो इनका इलाज इनके बेटे डॉक्टर राजेश से ही कराइए। जाइए, बुला कर ले आइए उसे। लेकिन वो कभी नहीं आएगा। ओहो, एक डॉक्टर मरीज की पुकार सुनकर आने से कभी इनकार नहीं कर सकता। जाइए प्लीज। राजेश, आप तुम्हारी माँ बीमार है। हाँ माँ, मैं एक पिता की हैसियत से तुम्हें बुलाने नहीं आया हूं। एक मरीज को डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास वक्त हो और डॉक्टर का फर्ज इजाजत दे तो तुम चल के देख सकते हो। आज पहली तारीख, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। हर साल कितने धूमधाम से मनाती थी मैं, इस साल भी धूमधाम से मनाएंगे। फगली कहीं बिना दूल्हा कहीं बारात सजती है। वो कहीं भी हो, हम उनका जन्मदिन जरूर मनाएंगे। अच्छा माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। माँ। राजेश, मेरे बेटे, मेरे लाल, तो आ गया। अब तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा ना। देख, तेरे बिना मेरी क्या हालत हो गई है। घबराओ नहीं, मैं आ गया, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। माँ बैठ जाओ। मुझे देखने तो क्या तकलीफ है? अरे रहने दे, इतने दिनों के बाद तुझे देखा है, अब मेरे सब दुख दूर हो गए, क्या करेगा देख। लेकिन माँ फिर भी मुझे देखने तो दे। राजेश आ गया। आशा, इसके लिए कुछ खाने के लिए लिया। ये क्या? मैं उन्हीं के घर में हूँ। इस घर की बर्बादी का कारण मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने माँ बाप को छोड़ा, मेरे लिए। एक ऐसी लड़की उसके जीवन में आई जिसने मेरे खुशियों को डस दिया, मेरे हरे भरे संसार में आग लगा दी। नहीं नहीं, नहीं। अगर माँ जी को पता चल गया कि मैं ही सुधा हूं तो? कान खोल कर सुन लो, वो नालायक उस आवारा लड़की के साथ इस घर में कभी कदम नहीं रख सकता। नहीं, मैं चली जाऊंगी यहां से, चली जाऊंगी। आशा, मुझे छोड़कर जाओगे तो नहीं ना? मैं क्या करूं, क्या करूं?
सुधा, भगवान ने तुमसे कितनी बेइंसाफी की है, कितना ढूंढा है मैंने तुम्हें और मिली भी तो अपने घर में, आज तुम मिल गई, मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। आपको धोखा हुआ है, मैं सुधा नहीं हूं। किस्मत तुमको धोखा दे सकती है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकता, जिसकी सूरत इन आंखों में बसी हुई है। आप क्यों नहीं समझते, मैं कह चुकी हूँ मैं सुधा नहीं आशा हूँ। आपको आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। आशा, मेरा बेटा घर आया है, जन्मदिन की पार्टी बड़ी शान से होनी चाहिए, आप अभी से इंतजाम करवा दीजिए। आशा तू खुद सब काम कर देना, और राजेश के बहुत से दोस्त आएंगे, उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजेश मुबारक हो। दोस्तों राजेश के जन्मदिन पे एक शेर अर्ज करता हूँ। हम छोड़ो यार शेरों शायरी को, राजेश साहब आप कुछ गाना सुनाइए प्लीज, हमें गाइए ना प्लीज। राजेश आज तुम्हें गाना पड़ेगा यार, रोज गाना पड़ेगा, प्लीज गाइए ना। तूने जाना मेरे महबूब
अब तू मुझको ना बना और दीवाना, मेरे महबूब तू मुझको। को यकीन है मानूं मैं कैसे तू वो नहीं है, प्यार पे अपने मुझको यकीन है मानूं मैं कैसे तू वो नहीं है। मेरी ही यादें है छुपाए दिल ये तेरा, लाख बने अनजाना, मेरे महबूब तू मुझको ना बना और दीवाना, तू वही मेरी शम्मा है मैं वही तेरा परवाना, मेरे महबूब तू मुझको। ये खेल कब तक चलेगा? अब और कितना सताओगी? जब से इस घर में आया हूं एक पल का चैन नहीं, रात आंखों में कट गई यही सोचते हुए ये सब क्या हो रहा है? सुधा, तुम्हें बताना होगा आखिर बात क्या है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ मैं सुधा नहीं आशा, अगर आप मुझे तंग करेंगे तो मैं माजी से कह दूंगी, हट जाइए मेरे रास्ते से। नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हें बताना ही होगा। ये चेहरा, ये रंग रूप, ये आंखों की चमक मुझे हर चीज यकीन दिलाती है तुम वही सुधा हो जिसने मुझे जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था। क्या तुम इन बातों से इनकार कर सकती हो? मैं तुमसे कहलवा के रहूंगा कि तुम वही सुधा हो। राजेश बाबू, होश में आइए, आप इस घर के मालिक हैं, अपनी माँ के लाडले हैं, जो हर सांस में आपका नाम लेती है। ऐसी माँ के प्यार को, इस घर की इज्जत को एक नौकरानी से इस तरह की बातें करके मिट्टी में मत मिलाइए, मुझे जाने दीजिए। मैं ही तुम्हें बताऊं। आखिर क्यों जाना चाहती हो? तुम्हें कोई तकलीफ है यहाँ? नहीं माँ जी, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है। मैंने तुम्हें नर्स बनाकर नहीं रखा था, बेटी बनाकर लाई थी। सगी बेटी को भी जाना पड़ता है, मैं तो फिर पर आई हूँ, मुझे जाने दीजिए। लेकिन ये अचानक जाने की वजह क्या है? वो वजह मैं हूँ माँ। राजेश तू? हाँ माँ, जिस लड़की को तुमने आशा के नाम से अपनाया है वो आशा नहीं सुधा है, वही सुधा जिसकी तलाश में मैं इस घर को छोड़कर चला गया था। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। बेटी, इसे जाने दो माँ, ये सच्चाई को कब तक छुपाएगी? रुक क्यों गई? पांव में बेड़ियां क्यों पड़ गई? अब भी कह दो कि तुम सुधा नहीं आशा। एक ऐसी लड़की उसके जीवन में आई जिसने मेरी खुशियों को डस, मेरे हरे भरे संसार में आग लगा दी। हाँ, मैं आशा हूं। राजेश, ये कौन है? ये मुझसे नहीं,
अपनी आशा से पूछूंगा, ये खुद बताएगी। कह दो कि तुम इनको भी नहीं पहचानते, इनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। खामोश क्यों हो? क्या आप भी सच्चाई को छुपा सकती हो? कह दो कि तुम इनकी बेटी नहीं, ये तुम्हारे कुछ नहीं। कान खोलकर सुन लो, वो नालायक उस आवारा लड़की के साथ इस घर में कभी कदम नहीं रख सकता। नहीं नहीं, मैं किसी की कुछ नहीं, किसी की बेटी सबको मिला दिया है। देखिए, हम किसी का एहसान नहीं रखते। बांके के एहसानों का बदला हमने उसे पुलिस के हवाले करके चुका दिया। मैंने तुम दोनों को मिलाया है, अब अलग भी कर दूंगा। चलो सुधा, मेरे घर चलो। अपना घर होते हुए सुधा बाहर कैसे जा सकती है? अरे यही तो इस घर की लक्ष्मी है। तुम इसे बेटी बनाकर लाई थी, अब बहू बनाकर रख लो। जाओ वर्मा जी।